अमृत, अनार, नींबू, नवनीत फल, गुडोल, रुगमणी या कंगन, मुसंडा, शोभकारी रबड़ और कई अन्य पौधों के तनों पर स्वाभाविक रूप से जड़ें आती हैं, लेकिन ये जड़ें व्यावसायिक रोपाई के लिए स्वतंत्र व सक्षम पौध के उत्पादन के लिए काफ़ी नहीं है। इन तनों पर पर्याप्त जड़ों को उत्प्रेरित करने की व्यवस्थित पद्धति को घूटी बांधना कहते हैं। अब इस विधि को विस्तार से समझिए। पौधे के किसी भी ऊंचाई पर जड़ें पैदा कर इस विधि को संशोधित किया गया। इसको गुटी बांधना कहते हैं। गुटी बांधने के लिए उंगली के आकार की स्वस्थ टहनी को ले लें, छिलके के चारों ओर चाकू से दो निशान लगाएं और छिलके की रिंग निकाल दें। छिलके के फिर से जुड़ने को रोकने के लिए तने की हरी कोशिका को नोच ले। अधिक जड़ों को उत्प्रेरित करने के लिए 500 ppm गार तवाले IBA हार्मोन का प्रयोग करें। सामान्यतः जड़ पकड़ने के माध्यम के रूप में स्फैग्नम काई का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक फर्न है जो जंगल के पेड़ों पर उगता है या पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन पर उगता है। यह बहुत ही ढीला माध्यम है जिसकी जल भरण क्षमता ज्यादा होती है। नर्सरी उपकरण बेचने वाले दुकानों में स्फैग्नम काई मिलती है। बुरादे या पाउडर बने जैविक खाद का भी जड़ पकड़ने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन काई बेहतर है। स्फैग्नम काई को गीला कर इसे निचोड़ ले ताकि अतिरिक्त पानी बह जाए, नहीं तो इसे परत के अंदर तना और छिलका सड़ जाता है। गूटी बांधने के निशान के नीचे प्लास्टिक शीट को जूट की धागे से बांध दें। इसको ऊपर की तरफ रखें ताकि इसे पैकेट का आकार मिले। इस पैकेट में गीले स्फैग्नम काई से कसकर भरें। ऊपर के खुले मुंह को बांध दे। कसकर बांधना चाहिए ताकि गुटी बांधी जगह के अंदर हवा न घुसे। पांच छह सप्ताह में इस पर जड़ें लगेगी। पर्याप्त जड़ें दिखने पर एक सप्ताह के अंतराल में गुटी बांधी जगह के नीचे खड़े रूप में दो कट लगाएं। इसके बाद इसको मादा पेड़ से अलग करें। वाष्पन को कम करने के लिए इसके कच्चे भाग को काट दें, क्योंकि जड़ों को स्थापित करना बाकी है। प्लास्टिक शीट को निकाल दें, इसे पॉलिथीन थैली में लगाएं और छांव में रखें। अनार एवं अमरुद में व्यावसायिक रूप से अपनाई जा रही एकमात्र विधि है गुटी बांधना। अगर पर्याप्त मादा पौधे हैं तो हम कई संख्या में गुटियां तैयार कर सकते हैं। पौधों के बहुलीकरण के लिए गुटी बांधना बहुत ही आसान एवं सस्ती विधि है। अगर पर्याप्त रूप में जड़ नहीं लगी तो अलग करने के बाद पौधे मर जाते हैं। यह माना जाता है कि मुसला जड़ प्रणाली नहीं होने के कारण गुटी बांधे पौधे सूखे को झेल नहीं सकते, लेकिन आजकल बागानों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं होती है, इसलिए पौधों के प्रवर्धन के लिए गुटी बांधना एक लोकप्रिय विधि हो गई है।